वेलकम बॉयज़ एंड गर्ल्स, आज के इकोनॉमिक्स के लेक्चर सीरीज़ में हम लोग बात करेंगे पब्लिक फाइनेंस के बारे में, जिसे हिंदी में लोक वित्त या फिर सार्वजनिक वित्त भी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे इकोनॉमिक्स के चैप्टर में, जैसे कि बैंकिंग चैप्टर जितना इंपॉर्टेंट है उसी प्रकार पब्लिक फाइनेंस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें टैक्स है और बजट है, ये सभी चीज़ें जो है इसमें शामिल होती है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी बड़ा भी है। तो हो सकता है कि 3 से 4 वीडियो इसमें लग जाए। तो देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं इस पूरे पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वो है पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे जो कि इस टॉपिक में इंक्लूडेड है। उसके बाद हम लोग गवर्नमेंट अकाउंट्स के बारे में देखेंगे कि कितने टाइप के गवर्नमेंट अकाउंट्स होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट अपना जो पैसा वगैरह है रखती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फिस्कल पॉलिसी कॉन्सेप्ट्स के बारे में कि सरकार जो है किस तरीके से पैसे अर्न करती है और उसको कैसे खर्च करती है, फिर यदि ज़्यादा खर्च हो जाए तो लोन कैसे किस तरीके से लेती है, जैसे कि देश के अंदर ही किसी राज्य से यदि लोन लेना हो या फिर देश के बाहर किसी अन्य संस्था से लोन लेना हो या किसी राज्य से लोन लेना हो बाहर के, तो वो किस तरीके से लेती है। फिर हम लोग देखेंगे कि बजट रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, कि जैसे कि फिस्कल डेफिसिट है, प्राइमरी डेफिसिट है, बजट डेफिसिट है, तो इन सभी चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंडियन टैक्सेशन सिस्टम, यानी कि टैक्स कितने टाइप का होता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स तो अब ख़त्म हो गया, लगभग काफ़ी चीज़ें जीएसटी के अंतर्गत आ गई है, तो हम लोग जीएसटी को देखेंगे कि जीएसटी क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे फाइनेंस कमीशन, जिसको वित्त आयोग भी कहते हैं हिंदी में, और उसका जो 14th फाइनेंस कमीशन है उसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे, और अभी जो नया गठित हो रहा है फाइनेंस कमीशन 15, तो उसको उसके बारे में देखेंगे कि क्या क्या किस किस तरीके के रिकमेंडेशन है और कौन फाइनेंस कमीशन को स्थापित करता है, कौन सा अनुच्छेद है, ये सब चीज़ें देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे रोल ऑफ कैग, कि कैग का रोल क्या है, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल का रोल क्या है इस पूरे पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत। ये सारी चीज़ें जो है, ये मेजर मुख्य मुख्य पॉइंट्स लिखे हैं मैंने कि क्या क्या चीज़ें इस पूरे पब्लिक फाइनेंस टॉपिक के अंतर्गत आएगी। तो अब देख लेते हैं कि आज हमको क्या क्या पढ़ना है, और कुछ यदि चीज़ें छूट जाती है या बच जाती है तो वो मिसलेनियस के अंतर्गत जो आप कमेंट्स में बताएंगे उसको मैं सबसे आखिरी में कवर करूँगा। तो देख लेते हैं कि आज हमको क्या क्या देखना है। तो आज हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ पब्लिक फाइनेंस, कि मतलब पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, उसको उसका डेफिनेशंस को मैंने कवर नहीं किया है, बस मैंने उसको समझाया है कि पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, क्योंकि डेफिनेशंस आपको बुक से तो मिल ही जाएंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट अकाउंट्स के बारे में, तो ये कितने तरीके के अकाउंट्स होते हैं, जैसे कि कंसोलिडेटेड फंड है, पब्लिक अकाउंट्स है और कंटिंजेंसी फंड है। तो ये सारी चीज़ें अभी आपको इंग्लिश में दिख रही होगी, कि जैसे ही मैं टॉपिक में जाऊँगा फिर सारी चीज़ें को हिंदी में लिखा हुआ है, सारी स्लाइड्स हिंदी में है, ताकि ये जल्दी से मैं लिख पाऊँ, इसलिए मैं इसको इंग्लिश में कवर करता हूँ शुरुआत में। और इकोनॉमिक्स में एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि इंग्लिश टर्म ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है ना, तो इंग्लिश टर्म्स को ही याद रखिएगा और उसको हिंदी में कन्वर्ट करिए, करने की कोशिश करिएगा हमेशा। तो जैसे ये कंसोलिडेटेड फंड के बारे में पढ़ेंगे, फिर पब्लिक अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर कंटिंजेंसी फंड के बारे में एक एक पढ़ेंगे। अब ये क्यों पढ़ेंगे, तो वो इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इससे कई क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, ये सिर्फ अकाउंट्स के टाइप होते हैं और उन्हीं अकाउंट्स के टाइप के अंतर्गत ही क्वेश्चंस आ जाते हैं। किस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं जब ये टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, अभी आगे हम लोग देखेंगे तब वहाँ पे सारा चीज़ डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद पूरे टॉपिक का रिवाइज एक बार कर लेंगे एक स्लाइड के अंतर्गत। उसके बाद इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी मॉक क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो पॉसिबल आजकल दूसरे तरीके के क्वेश्चंस बनने शुरू हुए हैं, तो उस तरीके के क्वेश्चंस मैंने फॉर्म करने की कोशिश की है, तो उसका कमेंट में आप लोग क्या करेंगे, आंसर देंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पूरे पब्लिक फाइनेंस को कंप्लीट करने से पहले पूरा एक सिनेरियो हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से पूरा पब्लिक फाइनेंस जो है हम उसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं। तो एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि जब भी हम वित्त के बारे में बात करते हैं तो इस एग्जांपल में हम लोगों ने एक फैमिली को कंसिडर करते हुए बात कर रहे हैं, मध्यम वर्ग का जो फैमिली है, जब वो बात करती है वित्त के बारे में, यानी कि पैसे के बारे में, धन के बारे में जब बात करती है,
तो स्वतः ही उसमें से कुछ बातें निहित होती है। तो सबसे पहला जो बात होता है वो किसी भी मध्यम वर्ग जो नौकरी पेशा वर्ग का जो फैमिली है उसकी जो सैलरी आती है वो 1 तारीख से लेके 10 तारीख के बीच में और 31 तारीख के आसपास में उनकी सैलरी ख़त्म हो जाती है। तो ये 1 महीने के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से 1 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में कैसे जीवन चलता है और कौन कौन सी बातें धन को लेकर जितनी भी बातें सामने आती है एक मध्यम वर्ग फैमिली के अंदर उसको मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में कंपाइल किया है। ठीक है, तो यदि कोई फैमिली है मध्यम वर्ग की तो उसके पास सबसे पहला जो बेसिक क्वेश्चन होता है वो पैसे को लेकर के वो होता है कि पैसे कहाँ से आएंगे, मतलब रिवेन्यू सोर्स क्या होगा, मतलब इनकम सोर्स क्या होगा, कि कोई नौकरी करेगा या फिर कोई मजदूरी करेगा या इस तरीके का, कि पैसे कहाँ से आएंगे। दूसरा जो ऑप्शन होता है, मतलब दूसरा इसके बाद होता है कि यदि वो पैसे आ भी जाएं तो वो रखेंगे कहाँ। तो मोस्टली जो है सभी लोग पैसे बैंक, आजकल तो सभी बैंक अकाउंट में रखते हैं, तो इसलिए हम लोग क्योंकि इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इसीलिए हम लोग बैंक अकाउंट के बारे में ही बात करेंगे, कैश के बारे में बात नहीं करेंगे। तो ये कहाँ पर आएंगे, मतलब जितने भी अर्निंग हमने कर ली, मतलब 1 महीने में हम लोगों ने जितना पैसा कमाया तो वहाँ तो उनको रखेंगे कहाँ, तो वो उसके लिए चाहिए बैंक अकाउंट। उसके बाद तीसरा जो होता है वो होता है कि पैसे किन किन चीज़ों पर खर्च करने हैं, कि पैसे भी हम लोगों ने कमा लिया, पैसे हम लोगों के अकाउंट में भी आ गए, तो अब जो फैमिली का जो नेक्स्ट होता है कि ये जितने भी पैसे आए हैं वो किन किन चीज़ों पर खर्च करने हैं, जैसे कि राशन है, बिल पे है, बिल पेमेंट करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, ये जितने भी बिल्स होते हैं वो पेमेंट करना, यदि जिन लोग किराए में रहते हैं तो रूम रेंट उनको पे करना। तो ऐसे करके चीज़ों को वो फैमिली क्या करती है, डिवाइड कर लेती है कि इतना रुपए हमको इस चीज़ पे खर्च करना है, बिजली पे इतना खर्च करना है, राशन पे इतना खर्च करना है, रूम रेंट पे खर्च करना है। तो इस तरीके का स्ट्रेटजी या फिर प्लान जो है वो फैमिली बनाती है और उन सभी चीज़ों पर कितना कितना खर्च करना है ये भी तय कर लेती है। कि जैसे कई बार क्या होता है कि इस महीने हम लोग राशन पे इतना खर्च करेंगे, बिल पे इतना खर्च करेंगे, मतलब बिल यदि कम यूज़ करेंगे तो बिल कम आएगा इस तरीके का, और रूम रेंट जो है कितना देना है, तो किस किस किन किन चीज़ों पर कितना कितना खर्च करना है, इन सभी बातें, ये सभी बातें तय करती है कोई फैमिली जब उनके पास क्या हो जाता है, पैसे आ जाते हैं उनके अकाउंट में। ये होता है मोस्टली 4 से 5 तारीख के बीच में, यदि सैलरी 1 तारीख को क्रेडिट हो रहा है उनके अकाउंट में। उसके बाद जब खर्च की भी बातें हो गई तो बचत भी ज़रूरी है कि मतलब कितना बचत करना है हमको इस महीने, ताकि अगले महीने यदि सैलरी लेट आए तो हम उस बचत का यूज़ कर पाएँ या फिर कोई अन्य और भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए बचत भी ज़रूरी है। तो ये सभी चीज़ें, और उसके बाद ज़्यादा खर्च होने पर उधारी लेंगे कि जैसे इस महीने क्या हो गया, ज़्यादा बिल पेमेंट हो गया या ज़्यादा मेहमान आ गए तो राशन ज़्यादा खर्च हो गया। तो इस तरीके से यदि खर्च बढ़ जाता है, इनकम से ज़्यादा खर्च हो जाता है, तो हमें क्या होगा, उधारी लेने की आवश्यकता होगी या फिर ऋण लेने की आवश्यकता होगी। तो वो ऋण हम लोग किन से लेंगे, या तो अपने परिवार वालों से लेंगे या तो मित्र से लेंगे। तो यही जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये सारा जो मध्यम वर्ग की फैमिली है या कोई भी फैमिली हो, रिच फैमिली को यदि मैं कंसिडर नहीं करता हूँ, तो मीडियम फैमिली को यदि मैं कंसिडर करता हूँ, मध्यम वर्ग की फैमिली को, तो बेसिक यही सिनेरियो चलता है हर घर में, सभी घरों में। तो यही कंसेप्ट जो होता है, यही सरकार भी यही कंसेप्ट क्या करती है, लागू करती है। सरकार में भी सेम एज इट इज़ होता है। जैसे कि सबसे पहला जो सरकार के पास होता है वो 1 अप्रैल के पहले पहले जब बजट तैयार होता है तो बजट में यही तय होता है कि पैसे कहाँ से आएंगे, यानी कि सरकार के पास पैसे कहाँ से आएंगे। क्योंकि पैसे सरकार को लोगों के माध्यम से ही मिलते हैं, जैसे कि टैक्स, यदि यदि लोग टैक्स पे कर रहे हैं तो टैक्स के माध्यम से लोगों को पैसे मिलते हैं, फिर सरकार की जितनी भी कंपनीज हैं उनसे उनको पैसे मिलते हैं। तो ये सारे पैसे हम कैसे कमाएंगे, तो गवर्नमेंट एक स्ट्रेटजी बनाती है और उसको कहते हैं बजट। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें होती है। फिर सर कहाँ पर आएंगे, तो बैंक अकाउंट्स में आएंगे। तो बैंक अकाउंट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि बैंक अकाउंट कितने टाइप का होता है, जिसमें सरकार अपनी अर्निंग्स को, इनकम्स को, या फिर यदि कहीं से लोन ली है तो उसको उन अकाउंट्स में किस प्रकार से अरेंज करके रखती है। और उसके बाद ये जो पोर्शन होता है ये पूरा होता है बजट का पोर्शन, कि कहाँ कहाँ पे कितना खर्च करना है, ये सभी चीज़ें जो है बजट कहलाती है सरकार की।
और ये भी बजट का ही हिस्सा है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा समझाने के लिए अलग कर दिया है कि ये पहले ये बजट में ही लिखा होता है कि हम लोग जो है इस वर्ष कैसे करके इनकम जो है जनरेट करेंगे। उसके बाद ये सेविंग्स है और ये लोन के बारे में है कि गवर्नमेंट यदि कैसे लोन लेती है किसी से, तो ये लोन के बारे में इसके बाद वाले लेक्चर या फिर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को आज हम लोग कवर कर लेंगे और इस चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि पब्लिक फाइनेंस होता क्या चीज़ है। इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली, अब स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि पब्लिक फाइनेंस क्या होता है। तो पब्लिक फाइनेंस कुछ नहीं, जैसा कि ये लिखा हुआ है, पब्लिक और फाइनेंस, और ये जो कंसेप्ट जो लागू होता है ये सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर ही लागू होता है, ठीक है। कि मतलब गवर्नमेंट जब लोगों के पैसे पब्लिक है, फाइनेंस है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट के पास जितने भी पैसे आते हैं वो पब्लिक के पास ही पब्लिक से ही आती है। तो वो करती क्या है कि एक प्लान तैयार करती है, मतलब एक स्ट्रैटेजी बनाती है कि लोगों के जितने भी पैसे आज हमारे पास आ रहे हैं तो उनको एक रणनीतिक रूप से किस किस तरीके से खर्च किया जाए, किस किस तरीके से कमाया जाए, मतलब लोगों से किस तरीके से पैसे लिया जाए और उसको किस तरीके से खर्च किया जाए, लोगों के लिए, सरकार के लिए, सभी के लिए किस तरीके से खर्च किया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा यदि ज़्यादा खर्च भी हो जाता है तो कैसे लोन लेकर उस चीज़ को पूरा करें। ये सभी चीज़ें जो आ जाती है पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत। जैसा कि लिखा हुआ है कि लोक वित्त के अंतर्गत वे सभी वित्तीय मामले आते हैं जिसमें सरकार का अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है, जैसे कि आय है, व्यय है और ऋण है, ये सभी मामले होते हैं और इसे ही लोक वित्त कहते हैं। मतलब एक लोगों का जो पैसा है सरकार के पास जो आता है उसको कैसे नीतिगत रूप से खर्च करना है और लोगों से नीतिगत रूप से कैसे लेना है, और यदि ज़्यादा खर्च हो जाता है तो नीतिगत रूप से कैसे ऋण लेकर उस चीज़ को पूरा करना है। तो ये सारा चीज़ पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत आ जाता है। मतलब सरकार यदि लोगों के पैसे को किस तरीके से उपयोग करेगी, उस चीज़ को हम लोग किस में देखते हैं, पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत देखते हैं। जब ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि पब्लिक फाइनेंस किसे कहते हैं, तो अब देख लेते हैं कि गवर्नमेंट अकाउंट्स, जैसा कि बात किया था मैंने कि सरकार के पास यदि प्लान बन गया कि किस किस तरीके से अर्निंग करनी है सरकार को, कितना इस वर्ष टैक्स वसूलना है, कितना इस वर्ष जितने भी गवर्नमेंट की कंपनीज हैं उनको प्रॉफिट जो है, जो टारगेट है तय करना है कि कितना प्रॉफिट उनको अचीव करना है, ये सारा चीज़ें जो है सरकार क्या करती है, एक स्ट्रैटेजी बनाकर अर्निंग अपना डिफाइन कर लेती है कि मतलब हमको इस वर्ष इतने इतने रुपीज़ जो है कमाने हैं। और जैसे ही वो सारा चीज़ प्लान बन गया और इनकम सोर्स भी हो गया और सारी चीज़ें पैसे अच्छे से वर्क करने लगी और पैसे आने लगी, तो सरकार क्या करती है कि गवर्नमेंट अकाउंट्स, सरकार क्या करेगी, उन सभी पैसों को अकाउंट्स में रखेगी। तो वो कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं, तो सबसे पहला जो अकाउंट होता है वो होता है कंसोलिडेटेड फंड, इसके बारे में आपने पॉलिटी में भी पढ़ा होगा। उसके बाद है पब्लिक फंड और तीसरा होता है कंटिंजेंसी फंड। तो ये जितने भी अकाउंट है, ये तीन प्रकार के अकाउंट होते हैं, और भी अकाउंट होते हैं लेकिन हम लोग इन्हीं तीन मुख्य अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो तीनों अकाउंट है, इन सभी अकाउंट्स की अलग अलग खासियत है और इन्हीं खासियतों के बारे में ही क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो एक एक करके हम लोग इन सभी अकाउंट्स की खासियतों को जानने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें किस किस, मतलब ये सभी अकाउंट में क्या होता है, अलग अलग तरीके, अलग अलग प्रकार के पैसे इसमें जमा होते हैं, सभी अकाउंट में एक जैसे पैसे जो हैं और उसका उपयोग जो है नहीं होता है एक समान, अलग अलग होता है। तो देखते हैं सबसे पहले कि कंसोलिडेटेड फंड के बारे में। तो देखते हैं सबसे पहले कंसोलिडेटेड फंड के बारे में कि, और इसको हिंदी में कहते हैं संचित निधि। तो ये जैसे कि मैंने बोला था कि स्लाइड जो है हिंदी में आ जाएंगे, तो संचित निधि के बारे में देखते हैं। कंसोलिडेटेड फंड को हिंदी में कहते हैं संचित निधि, और ये जो निधि है इसके बारे में संविधान में उल्लेख है और संविधान में अनुच्छेद 266 के अंतर्गत इसका उल्लेख है। मतलब ये संविधान के तहत बना हुआ क्या है, अकाउंट है।
ये बाकी अन्य अकाउंट से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है? तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जितने भी पैसे रखे जाते हैं वो राजस्व एकत्रण यानी कि जितने भी टैक्स कलेक्ट करता है गवर्नमेंट, वो सारे टैक्सेस जो हैं कलेक्ट करने के बाद इस ये कंसोलिडेटेड फंड यानी कि संचित निधि के अंतर्गत रखे जाते हैं, मतलब संचित निधि में रखे जाते हैं। और गवर्नमेंट यदि किसी अन्य कंट्री से लोन लेती है या किसी स्टेट से लोन लेती है तो वो जितने भी लोन लेगी सरकार से, किसी भी सरकार से या राज्य से, तो वो सभी लिए गए लोन भी इसी में रखे जाएंगे। उसके बाद ब्याज व मूलधन, यदि सरकार किसी को लोन देती है, किसी सरकार को या किसी संस्था को लोन देती है, उससे जो ब्याज की प्राप्ति होती है उसको भी इसी फंड में रखा जाएगा। और मूलधन जो प्रिंसिपल है, और यदि किसी सरकार से क्या करती है लोन लेती है और उसका जो मूलधन, उसको लोन से जो अमाउंट प्राप्त होता है उसको भी इसी अकाउंट में रखा जाएगा। और यदि ब्याज भी देना हो उस गवर्नमेंट को जहाँ से लोन ली है तो ब्याज का जो पेमेंट होगा वो भी इसी अकाउंट से होगा। मतलब इसमें से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यदि सरकार राजस्व एकत्रण करती है तो कौन से अकाउंट में उस पैसे को रखती है, तो आंसर क्या होगा? कंसोलिडेटेड फंड। और यदि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लिया गया लोन, यदि भारत सरकार किसी से लोन लेती है तो वो लोन लेने के बाद वो जो अमाउंट है वो कहाँ पर रखेगी, तो ऑप्शन देता है कि पब्लिक अकाउंट में रखेगी, कंटिंजेंसी फंड में रखेगी, कंसोलिडेटेड फंड में रखेगी, या किसी और अकाउंट होगा उसका नाम होगा। तो आंसर क्या होगा? कंसोलिडेटेड फंड। उसके बाद ब्याज एवं मूलधन। तो ये जो अकाउंट होता है ये मेनली तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वो किस एरिए से होता है कि इसमें सिर्फ पैसे जो आएंगे वो या तो टैक्स कलेक्शन से आएंगे या तो फिर जितने भी लोन एवं ब्याज के पैसे आएंगे, तो ज़्यादा इसमें। और इस अकाउंट से पैसे निकालने के लिए क्या होगा? संसद से अनुमति की आवश्यकता होगी। मतलब बिना संसद की अनुमति के कोई भी इस अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकता। और ये जो कंसोलिडेटेड फंड होता है इस अकाउंट से ही बजट जो है प्राप्त होता है। जब हर साल बजट जो प्रस्तावित किया जाता है उसमें जितने भी पैसे अमाउंट हैं वो लिखे जाते हैं निकालने के लिए सरकार से, तो वो इसी अकाउंट से ही निकलता है। और आपने पॉलिटी में भी पढ़ा होगा कि जितने भी सैलरीज होती है, प्रेसिडेंट की सैलरी होती है, चुनाव आयोग की सैलरी होती है, या फिर यूपीएससी के अध्यक्ष की सैलरी होती है, वो संचित निधि से ही निकलती है। ठीक है, तो कई लोगों के सैलरीज भी इसी में से ही निकलती है। तो आपको जो तीन इसमें मुख्य रूप से आपको ये वाला पॉइंट जो है याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन इतने ही पॉइंट से पूछा जाता है। और एक मैंने बता दिया सैलरी से, कि मतलब जैसे कि इलेक्शन कमीशन की सैलरी जो है कहाँ से निकलता है, तो इस चीज़ को पॉलिटी से आप क्लियर कर लीजिएगा। और इसमें सबसे मुख्य पॉइंट होता है ये संसद की अनुमति से। तो क्वेश्चन में पूछता है कि कंसोलिडेटेड फंड से पैसे निकालने के लिए संसद से अनुमति की आवश्यकता होती है या नहीं, या फिर कथन सही है या गलत, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पॉइंट को मुख्य रूप से याद रखना है और इस पॉइंट को। तो ये हो गया कंसोलिडेटेड फंड। ये जैसे कि मैंने यहाँ पे बता दिया बजट वेतन लोक आयोग के अध्यक्ष। और इंग्लिश में यदि किसी को लिखना हो तो इंग्लिश में लिख सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पब्लिक फंड, कहते हैं लोक निधि। तो ये लोक निधि क्या चीज़ है उसके बारे में हम लोग एक एक करके विस्तार से देख लेते हैं। तो लोक निधि जो है वो संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत इसका उल्लेख है। तो लोक निधि, जैसा कि ये इसमें इसके वर्डिंग्स में लिखा हुआ है, ये लोक निधि है यानी कि लोगों की निधि है। इस अकाउंट के माध्यम से सरकार क्या करती है, सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। अब ये बैंकर के रूप में सरकार कैसे कार्य करती है, तो इसको समझ लो कि बैंकिंग सिस्टम से। मतलब बैंक में क्या होता है कि बैंक क्या करती है, लोगों के जितने भी पैसे हैं वो अपने पास डिपॉजिट रखती है, और जब लोग वापस उसको निकालना चाहते हैं तो वो निकालते हैं, और साथ ही साथ क्या मिलते हैं उनको, एक ब्याज के रूप में 4% या 3% के रूप में उनको पैसे जो है रिटर्न मिलती है। तो ये क्या हो गया, एक बैंकिंग संस्थान का मुख्य कार्य हो गया। तो सरकार भी ठीक इसी प्रकार कार्य करती है, लोगों के कुछ पैसे को अपने पास कुछ समय के लिए रखती है, और जब लोगों को उस पैसे की आवश्यकता होती है तो सरकार उसको कुछ ब्याज देते हुए उस पैसे को वापस करती है। इसका सबसे अच्छा जो एग्ज़ाम्पल है वो होता है पेंशन सिस्टम।
कि हमारे देश में जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनका क्या होता है कि प्रत्येक महीने सैलरी से कुछ पैसे कट के सरकार के पास स्टोर होता है या सरकार के पास जमा होता है। तो ऐसे करते हुए 10-20 साल 30 साल जब ये लोग अपनी नौकरी या फिर जॉब को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जब ये लोग रिटायरमेंट में उसके बाद जब ये लोग रिटायर होते हैं तो जितने भी पैसे उनके अकाउंट से प्रत्येक महीने कट कट के जो जमा हो रहे थे वो सभी पेंशन के रूप में हर महीने मिलते हैं। तो यही ये जितने भी पैसे जमा होते हैं लोगों के प्रत्येक महीने वेतन से कट कर, वो कहाँ पर जमा होता है? तो वो होता है पब्लिक फंड में। और ये जो भी पैसे हैं, ये जो खाता होता है, ये अस्थायी रूप से पैसा रखने के लिए खाता होता है। तो ये तीन क्या हो गए इस अकाउंट के कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर गुण कहेंगे हिंदी में, ठीक है? तो ये क्या हो गया पब्लिक अकाउंट के पब्लिक फंड के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती है, तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से बता देता हूँ। किसान विकास पत्र, तो ये जो किसान विकास पत्र हैं इसमें क्या होता है कि किसान विकास पत्र खरीद लेते हैं लोग और उसके एवज में अकाउंट में पैसे रख देते हैं, तो वो सभी पैसे पब्लिक अकाउंट पब्लिक फंड में जो है जमा हो जाती है। प्रोविडेंट फंड होता है, फिर जितने भी स्कीम्स होते हैं, इसको ऐसे समझ लीजिए कि जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स होते हैं जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है कि आप पैसा जमा करिए हमारे पास इतने वर्षों के लिए, हम आपको इतने रुपए ब्याज देंगे, तो वो जितने भी सारे स्कीम्स के अंतर्गत जितने भी पैसे जमा होगा वो सारा पैसा पब्लिक फंड के अंतर्गत जाएगा। और इस पब्लिक फंड में क्या होता है कि अस्थायी रूप से पैसा जमा करते हैं और गवर्नमेंट को ये पता होता है कि कभी न कभी इस पैसे को वापस करना है, यानी कि वो पैसा जो है गवर्नमेंट के लिए परमानेंट नहीं है और पब्लिक चाहे तो कभी भी पैसा उसको एक नियत अवधि के अंतर्गत मांग सकती है। तो ये हो जा तो इसे कहते हैं पब्लिक फंड। और ये जो पब्लिक फंड है इसमें से पैसे निकालने के लिए संसद से अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब संसद से किसी प्रकार के लॉ बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई परमिशन लेने की ज़रूरत है। बस कार्यपालिका एक अपना जो बस कार्यपालिका क्या करती है, कार्यपालिका चाहे तो इसमें से पैसे निकाल सकती है। और इंग्लिश में यदि आप इस चीज़ को पढ़ना चाहें तो ये 2 लाइन का है, इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा है कंटिंजेंसी फंड, इसको हिंदी में कहते हैं आपातकालीन निधि। ये संविधान के अनुच्छेद 267 के वो कंटिंजेंसी फंड है, इसका उल्लेख जो है संविधान में 267 अनुच्छेद के अंतर्गत है कि मतलब कंटिंजेंसी फंड भी होना चाहिए सरकार के पास, भारत सरकार के पास, इसीलिए इसका उल्लेख संविधान में है। और ये जो अकाउंट होता है वो राष्ट्रपति के अंतर्गत ही होता है, मतलब राष्ट्रपति इस चीज़ राष्ट्रपति के देख रेख में ये अकाउंट होता है, मगर इसका डेली जो संचालन होता है वो वित्त सचिव के अंतर्गत होता है। तो क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि इसको ऑपरेट कौन करता है या ये जो निधि है वो किसके अंतर्गत होती है या किसके देख रेख में होती है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो निधि है कंटिंजेंसी फंड ये राष्ट्रपति के अंतर्गत होती है और डेली इसका जो ऑपरेशन है वो कौन संभालता है, वित्त सचिव संभालता है। और ये जो अकाउंट है इसके माध्यम से, यानी कि ये अकाउंट क्यों है, तो ये अकाउंट ये इसलिए है यदि जरूरी कुछ जरूरी और अप्रत्याशित व्यय करना हो, जैसे कि कहीं पे भूकंप आ गया तो अचानक से क्या हुआ कि पैसे की ज़रूरत पड़ गई सरकार को। अब जब पैसे की ज़रूरत पड़ गई सरकार को तो सरकार क्या करेगी, अपने पैसे खर्च करेगी। तो पब्लिक अकाउंट में क्या होता है कि उसके पैसे तो होते नहीं है, तो उसका सरकार का जो मुख्य रूप से पैसा जो स्टोर होता है वो होता है कंसोलिडेटेड फंड में। और कंसोलिडेटेड फंड से पैसे निकालना इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए संसद से अनुमति लेनी पड़ती है, उसके बाद फिर पैसा निकलता है। और ये जो पूरा प्रोसीजर होने में ये टाइम लग जाता है, करीब 1 महीने लग जाएगा, 1.5 महीने लग जाएगा सरकार को अपने खजाने से पैसे निकालने के लिए। तो सरकार को यदि इंस्टेंटली पैसे की ज़रूरत होती है तो एक कंटिंजेंसी फंड का यूज़ करती है। और अप्रत्याशित व्यय मतलब जैसे कभी अचानक से कुछ पैसे की ज़रूरत हो गई, किसी को पेमेंट करना हो, तब यहाँ से पैसे खर्च करती है, मगर मुख्यतः कंसोलिडेटेड फंड से ही पैसे निकाले जाते हैं। जो जैसे कि बजट का भी मैंने एग्जांपल दिया तो वो वहीं से निकलता है। तो इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं कि यदि मोदी जी विदेश यात्रा पर कहीं गए और उनको कोई मिसाइल वगैरह या फिर कोई टेक्नोलॉजी पसंद आई, तो उन्होंने क्या किया कि भाई अब हमको ये जो है टेक्नोलॉजी खरीदनी है, तो उसके लिए जो पेमेंट किया जाएगा वो कंटिंजेंसी फंड से किया जाएगा।
ताकि तुरंत पैसे की ज़रूरत हो गई तो तुरंत हम लोगों ने यहाँ से पैसे निकाल कर पेमेंट कर दिया। और उस एक और एग्जांपल लेते हैं, वर्तमान में संचालित योजनाओं पर यदि खर्च व्यय जो है बढ़ गया है, मतलब जितना एक साल के लिए हम लोगों ने पेमेंट अलॉट किया था वो उससे भी कम समय में यदि खर्च हो जाता है और पैसे की आवश्यकता होती है तो यहाँ से पैसे निकाले जाते हैं। भूकंप, बाढ़ एवं भूस्खलन यदि आ जाता है, जैसे कि बाढ़ आ गया, राहत कार्य करना है तो अचानक से पैसे की काफ़ी ज़रूरत हो गई, तो हम लोग कंसोलिडेटेड फंड के ऊपर डिपेंडेंट तो नहीं रह सकते ना, क्योंकि 1 महीने 1.5 महीने लग जाएगा उस चीज़ को वहाँ से पैसे निकालने के लिए। तो इसलिए यहाँ से पैसे निकाल कर लोगों को सुविधाएँ मुहैया करवाएंगे, मुहैया जो है करवाएंगे। तो ये सभी चीज़ें कंटिंजेंसी फंड में होता है। तो अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ से यदि पैसे निकल गए तो इसका भरपाई कैसे होगा। तो क्या होता है कि इस निधि से जितने भी व्यय किए जाते हैं संसद को उत्तरवर्ती अनुमोदन की आवश्यकता होती है, मतलब पैसे निकाल लेते हैं, खर्च कर लेते हैं, उसके बाद अनुमोदन कर दिया जाता है कि इतने पैसे जो हैं इस अकाउंट से निकाले गए हैं, और ये बता दिया जाता है संसद को इतने रुपए निकाले गए हैं, उसके बाद उस चीज़ की भरपाई कंसोलिडेटेड फंड से पैसे निकालने के बाद कर दी जाती है, यानी कि संचित निधि से पैसे निकालने के बाद यहाँ के अकाउंट की भरपाई जो है कर दी जाती है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये था कंटिंजेंसी फंड। तो हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया, तो सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया कि पब्लिक फाइनेंस किसे कहते हैं, उसके बाद हम लोगों ने गवर्नमेंट के अकाउंट्स के बारे में देखा कि कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं और सभी अकाउंट के किस किस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे कि कंसोलिडेटेड फंड में हम लोगों ने देखा कि संविधान के 266 आर्टिकल में इसका उल्लेख है, और यहाँ से पैसे निकालने के लिए गवर्नमेंट को एक लॉ बनाना पड़ता है या फिर संसद से अनुमति लेने की आवश्यकता पड़ती है, और बजट और जितने भी खर्च हैं वो यहीं से किए जाते हैं, जितने भी सैलरीज हैं वो यहीं से किए जाते हैं, और जितने भी हम यदि लोन लेते हैं या लोन देते हैं और जितने भी टैक्स कलेक्शन करती है गवर्नमेंट, ये कंसोलिडेटेड फंड में जमा होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा पब्लिक अकाउंट के बारे में, देखा कि पब्लिक अकाउंट क्या होता है, तो ये भी 266 आर्टिकल के अंतर्गत ही है। इसमें टेम्प्रेरी पैसा आकर जमा होता है, जो कि सरकार को कुछ टाइम के लिए पैसा होल्ड करने के बाद उसको वापस करना पड़ता है, सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। ये सब चीज़ें देख ली हम लोगों ने। उसके बाद कंटिंजेंसी फंड के बारे में देखा, आपातकालीन निधि जिसे कहेंगे हिंदी में, और इसमें जो भी खर्च है वो बाद में सरकार क्या करती है, इस फंड की आपूर्ति कंसोलिडेटेड फंड के माध्यम से कर देती है। और बाढ़ भूकंप जहाँ पर जो भी राहत कार्य या फिर कुछ मिसाइल टेक्नोलॉजी वगैरह खरीदना हो तो यहाँ से उसको पेमेंट करके बाद में इसको रीफिल कर दिया जाता है। तो ये दो टॉपिक्स आज हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब इससे रिलेटेड कुछ मॉक क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। तो ये जहाँ जहाँ पर मॉक क्वेश्चंस बनने के चांसेस थे, जैसे बनेंगे उन सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा और क्वेश्चन का आंसर जो है आप अपने जो कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, और कमेंट में आंसर ज़रूर करिएगा। इससे टॉपिक क्लियरिटी आपकी पता चल जाएगी कि आपने पूरे टॉपिक को सही अच्छे से समझा है या नहीं। और जब भी मैं कोई टॉपिक को कवर कर लूँ तो उस टॉपिक को आप बुक से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जो भी डेफिनेशन है वहाँ से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि ये पढ़ने के बाद क्या होगा, कंसेप्ट आपको अच्छे से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। डिपेंड ना रहे लेक्चर्स पे और इन सभी चीज़ों पे, बुक बगैर बुक के कोई भी, ये मान लीजिए कि कोई भी टॉपिक बगैर बुक पढ़े आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो जब भी कहीं भी वीडियो किसी का भी देखें, ज़रूरी नहीं है मेरा, किसी का भी कोई भी वीडियो आप देखते हैं तो ज़रूर उस बुक को, ज़रूर उसके बाद बुक को पढ़ें कि वाकई में क्या ये चीज़ें सही हैं या गलत बताई जा रही हैं। तो ये क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोगों और कमेंट में आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे फिस्कल पॉलिसी। इसमें से क्वेश्चन ऐसा बनता है कि राजकोषीय नीति भारत सरकार द्वारा बनाई जाती है या फिर आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है। तो फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि इनकम है, एक्सपेंडिचर है, लोन है, तो इन सभी को एक क्लियर कर दूंगा कि एक एक डेफिनेशन के रूप में देख लेंगे कि रेवेन्यू क्या होता है, फिर कैपिटल रिसिप्ट क्या होते हैं, फिर एक्सपेंडिचर प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है, फिर लोन इंटरनल एक्सटर्नल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग बजट पे जाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन पर क्लिक करें। क्वेरीज हैं, सुझाव हैं और सभी क्वेश्चंस के आंसर हैं, उन सभी का जवाब कमेंट सेक्शन में दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें और फॉलो करें हमारे फेसबुक और ट्विटर में, क्योंकि चैनल से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियाँ हैं
हम सबसे पहले इन्हीं पेजेस पर शेयर करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में।